बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केटोबिगस न्यूज़ के साथ मैं उदानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में बरसाती नाले पर तजावजात कायम करने के बायस बारिशों में जो तबाही फैली, इस नाले की कुशादगी को तंग करने की इजाज़त कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से दी गई, जिसका महकमा जाती एतराफ़ भी किया गया। वाज़ह रहे कि निजी सोसाइटी की जानब से 40 फीट के बरसाती नाले को 18 फीट की नाली में बदल कर इस पर छत डालते हुए सड़क बना दी गई, जबकि तजावजात में 20 कमर्शियल प्लांट और 2 गलियां बनाई गई। इन्हें तंग गलियों में बहने वाले बरसाती रेले में गाड़ियां भी बहती दिखाई दी और एक गली में माँ और बेटा डूब कर जां बहक हुए। इन हालातों और तबाही पर सवाल उठता है कि मुतल्लिका इदारे आखिर कहाँ थे जब निजी हाउसिंग सोसाइटी बरसाती नाले पर कब्जों में मसरूफ़ थी। लेआउट प्लान की खिलाफ वर्जी पर तामीरात को रुकवाने की कार्रवाई क्यों ना हो सकी? क्या जिम्मेदार इस कोताही पर सजावार हो सकेंगे? गुजरांवाला में वैन में नस सिलेंडर फटने से भड़कने वाली आग से 9 अफराद झुलस कर जान बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक शाहकोट में सिलेंडर फटने पर आग ने मुसाफिर वैन को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बायस वैन में मौजूद मुसाफिर बुरी तरह झुलस गए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि वाकई में 9 अफराद जान बहक और 7 जख्मी हुए। रेस्क्यू जराये ने बताया कि जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। DHQ अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक अस्पताल में 7 जख्मियों को लाया गया है। जख्मियों की हालत तश्वीशनाक है, जिन्हें लाहौर रेफर किया जा रहा है। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसे का शिकार मुसाफिर वैन रावलपिंडी से गुजरांवाला आई थी। पुलिस का कहना है कि आग लगने से पहले वैन को मिनी ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे वैन के पिछले हिस्से में रखा सिलेंडर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KWS न्यूज, या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.kwsnews.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।